हेलो गाइस, जय श्री राम। सो दिस इज सो लॉन्ग टाइम वी मेट अगेन, और दिस इज गुड न्यूज फॉर मी एंड यू टू। सो मैंने एक नई गाड़ी ली है, होंडा अमेज, और आज हम पहली ट्रिप करने वाले भीमा शंकर को, मैं और मेरे कुछ दोस्त। सो कम, आई विल शो यू। गाइस, हम रात को इधर आ चुके हैं। गला का आते मल निकाल इसमें। पहले मंदिर फिर खाना खाए, पहले मंदिर फिर दाल बट्टी, रात को ही हमको घर जाना है। एकदम फिक्स। नहीं नहीं, यहाँ पे रुक जाएंगे अपन। डायरेक्ट स्टे, विशेष नहीं। फूल वगैरह नहीं जगह समोर असेल नहीं तो लग्न करून पण अर्थ नाहीये। हा वहिनी, काहीच अर्थ नाहीये तो लग्न करून पण। सो भीमाशंकर ये महादेव जी का टेम्पल है, जो की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक छठे नंबर पे आता है वो ज्योतिर्लिंग। एंड इसकी स्टोरी ये है कि एक राक्षस हुआ करता था, सो उसका वध करने के लिए माँ पार्वती जी और शंकर जी ने मिलके एक बहुत बड़ा रूप धारण किया था, यानी कि भीम रूप यानी कि बड़ा रूप, इसलिए इसे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। भीमाशंकर से एक नदी का उगम होता है जिसे हम भीम नदी बोलते हैं। बाय वन गेट वन ऑफर असली तर मग याचं वेगळंच काहीतरी। बसू का मी विकायला? घेऊन टाका लगेच, चला जा। अजून एक द्या। जय हर महादेव, हर महादेव। लाइन में है अभी, और बहुत ठंडी भी लग रही है। क्या करें, कुछ सोच रहे, लेकिन भगवान का दर्शन ले रहे हैं तो वो एक्साइटमेंट ही अलग है। बडबड चालू, तू बोलायला भाग नका पाडू, मी शांत बस। Thank you.
कैसे दिया भैया? 100 रुपये पाव। तूने टेस्ट कर दिया? और खतरनाक है तो ये तमरी तो फूट गया। मैं वो इतना है तो भरपूर मस्त है। भैया प्योर दगड़ मत लाए। सो गाइस फाइनल दर्शन हो गए। कल ही हमने नई गाड़ी ली, तो पहला टूर हमारा भीमाशंकर था। बहुत मजा आया, बहुत मस्त था, वाइब बहुत अच्छी थी, पॉजिटिव वाइब थी बहुत। सो अभी नेक्स्ट प्लान हमारा है उज्जैन में भी है ना, गया तो नेक्स्ट प्लान है उज्जैन का। अगले ब्लॉग में मिलता अभी, बाय बाय, सी यू।